ऑल राइट, इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड, एक साथ लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। इससे पहले इंडिया ने 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, पर इलोन मस्क की कंपनी ने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च किए, इसमें 133 कमर्शियल और बाकी सब सरकारी। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैप कनेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स ने अपनी 10 स्टारलिंक सैटेलाइट भी लॉन्च किए। फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के बाद रॉकेट बूस्टर सुरक्षित वापस अंटार्कटिका महासागर में आ गया। इलोन मस्क का सपना है कि वो इंसानों को मंगल पर पहुंचाए। वो इसी तरीके से रॉकेट बना रहे हैं, जो रॉकेट बूस्टर है वो अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद वो बूस्टर वापस आ जाए। तो ये इन्होंने आज करके भी दिखाया, अंटार्कटिका महासागर में जो बूस्टर था वो सुरक्षित लौट आया। अब जानते हैं जो 143 रॉकेट इन्होंने स्पेस में भेजे हैं उनमें क्या क्या है। 143 जो सैटेलाइट है उनमें से 48 इमेजिंग सैटेलाइट्स है, कैप्लर के लिए 17 संचार सैटेलाइट्स है और 30 छोटी छोटी सैटेलाइट है जो अमेरिका और यूरोप के। स्पेस फ्लाइट मेमोरियल कंपनी सेलेस्ट्रेल के लिए छोटे कैप्सूल भेजे गए जिसमें इंसानी राख थे। स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो छोटी कंपनियों को भी ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि जो स्पेस का जो ट्रैवलिंग का है उसका खर्चा कम करना चाहते हैं। और उन्होंने आज एक साथ 143 सैटेलाइट छोड़ के इंडिया का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ा ही, और साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जिसमें 143 सैटेलाइट एक साथ छोड़े। फॉल्कन 9 रॉकेट ने 143 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने में कामयाब रहे। आप होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।